नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया। हम बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और बालों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें डिफरेंट किस्म के कंडीशनर्स, मास्क और लीव इन कंडीशनर्स भी शामिल हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक प्री कंडीशनर शेयर कर रही हूँ, जिसको इस्तेमाल करके ना तो आपको शैम्पू करने के बाद बालों में कोई कंडीशनर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी किस्म के सीरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होममेड प्री कंडीशनर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लें और इसमें हनी 1 टेबलस्पून और दही 3 टेबलस्पून शामिल करें और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद एक बनाना लें जो कि बहुत ज़्यादा कच्चा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पका हुआ भी ना हो। इसको ब्लेंडर में डालें और आधा कप पानी डालकर बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद केले के मिक्सचर को छान लें ताकि एक स्मूथ पेस्ट आपके पास हो और ये पेस्ट आप हनी और दही के मिक्सचर में शामिल कर दें और सबसे आखिर में 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। हमारा प्री कंडीशनर बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह ब्रश करें और इसके बाद सबसे पहले ये मिक्सचर अपने स्कैल्प पर अप्लाई करें और इसके बाद बालों की लेंथ और टिप्स पर अच्छी तरह से अप्लाई करें और बालों का बन बना लें और शार कैप या किसी भी पॉलीथिन बैग में बालों को कवर कर लें। अब आप इस प्री कंडीशनर को बालों में तकरीबन शैम्पू से 15 मिनट पहले या मैक्सिमम आधा घंटा पहले तक लगा रहने दें और इसके बाद शैम्पू कर लें। शैम्पू करने के दौरान ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बालों में इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। ना तो आपको किसी किस्म की कंडीशनर की ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ, स्ट्रेट और सॉफ्ट फील होंगे। शैम्पू करने के बाद बालों को नेचुरल हवा में ड्राई होने दें और ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये प्री कंडीशनर मास्क आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और हर टाइप के बालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये तो थी आज की ब्यूटी टिप। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।